कुछ 13 साल गुजर गए पर आज भी मन के चित्रपट पर ये कहानी जीवंत है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही थी। तब जोया और शादाब मेरे पास इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए आते थे। जोया, अम्मी कह रही थी कि हमें सुकून हॉस्पिटल में आईवीएफ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सुना है उस हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कई लोगों को फायदा हुआ है। ख्याल अच्छा है, मैं तैयार हो जाती हूँ। इतने में आप फजर की नमाज पढ़कर आ जाइए। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, वो हमारी दुआ जरूर पूरी करेगा। सुबह के करीब 11 बजे थे। हॉस्पिटल तो काफी मॉडर्न लग रहा है और पेशेंट भी काफी सारे हैं। पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। क्या ये डॉक्टर हमारा इलाज कर पाएंगी? मैं अस्पताल पहुंची तो श्वेत रंग के वस्त्रों में सज एक लड़की अपने पति के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। वैसे तो हर औरत खूबसूरत होती है, पर उसकी खूबसूरती में एक सुकून था। न जाने क्यों वो कुछ थकी हारी सी सहमी हुई लग रही थी। गालों पर सूखे हुए आंसू और सूजी हुई बेबस आंखें, साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत परेशान है। डॉक्टर, हमारी शादी को 8 साल हो गए। हमने बहुत सारी जगह इलाज करवाया पर आज तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं डॉक्टर साहब। ये हमारी पुरानी रिपोर्ट्स हैं। सोया, जो भी बेहतरीन इलाज संभव है वो करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण कर सके। ये कुछ मेडिसिन ले लीजिए और ये ब्लड टेस्ट करवा। जाते हुए जोया ने मुड़ के मेरी ओर देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि डॉक्टर, मुझे आप पे अटूट विश्वास है और उसके उस विश्वास को बरकरार रखना मेरा फर्ज था, मेरा पेशा था। ये थी हमारी पहली मुलाकात। जोया, तुम्हें याद है ना, आज से हमारी आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू हो रही है और कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। ये देखो, मैंने डॉक्टर साहिबा के लिए हाथ से बनाई हुई रेशम का रुमाल और फुलकारी दुपट्टा तैयार किया है। तुम्हारे हाथ में बड़ा हुनर है जोया। तुम्हारी यही मासूमियत और यही सादगी तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। डॉक्टर, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे जोया, इसकी क्या जरूरत थी? डॉक्टर, मैं ये बड़े प्यार से लाई हूँ, आप नहीं लेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वो इतने हक से प्यार मांगती और मैं इनकार नहीं कर पाती। उसके दिए हुए हर पल, हर लम्हे और उपहार मेरे लिए अनमोल थे, एक सुनहरी याद। इन 7-8 महीने में इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हुए जोया और शादाब के साथ एक अनोखा रिश्ता पनपता गया। ना तो उस रिश्ते का कोई नाम था ना पहचान, वो रिश्ता जो सिर्फ दिल की भाषा समझता था। जोया, आज जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हो रहा था और जब तुमने पहली बार स्कैनिंग मशीन पर बच्चे के दिल को धड़कते हुए देखा, एक अरसे बाद मैंने तुम्हें इतना खुश देखा। तुम्हारी आंखों को मुस्कुराते हुए देखा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी को महकते हुए देखा, तुम्हें पवन की तरह लहराते हुए देखकर आज कुदरत भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए बेकरार हो रही थी। आज मैं डॉक्टर का और मेरे परवरदिगार का शुक्रिया अदा करती हूँ। रब ने मेरी सूनी गोद भर दी। मैं नहीं जानती थी कि जोया का गर्भवती बन पाना आईवीएफ ट्रीटमेंट का नतीजा था या फिर जोया का अपने खुदा पे भरोसा, डॉक्टर पे अटूट विश्वास। जिस शिद्दत से जोया ने बच्चा पाने की दुआ मांगी थी उसका आशीर्वाद था। जोया शुक्रगुजार थी डॉक्टर की और मुझे जरिया बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार थी खुदा की। शादा, 9 महीने बीत गए और पता भी नहीं चला, पर आज ऑपरेशन के लिए जाना है तो डर लग रहा है। वक्त निकट आ चुका था। शादाब और जोया एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे थे। तुम ये हाथों पे लगी ट्यूब और तारों को देखकर घबराना मत, बस ये सोचो
कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और जल्दी हमारा फूल सा बच्चा तुम्हारी गोद में खेलने वाला है। शादाब, अम्मी ने अजमेर की दरगाह से ये रेशम की चादर भेजी है। वो चाहती हैं कि बच्चे को सबसे पहले इस चादर में लपेटकर मेरी गोद में दिया जाए। जब अम्मी का हुक्म है तो फिर भला कौन इनकार कर सकता है। तुम बेफिक्र हो और ऑपरेशन के लिए जाओ। हरे रंग के वस्त्रों में सज जोया ओटी में आ चुकी थी। मासूम चेहरे पे डर और खुशी की रेखाएं छलक रही थी। 2 घंटे बीत गए, अभी भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। क्या मुझे ही पूछना पड़ेगा डॉक्टर को जाके अंदर? अरे ये तो डॉक्टर साहिबा खुद ही चले बाहर आ रही है। शादाब, बधाई हो, बिटिया का जन्म हुआ है। माँ और बेटी दोनों की हालत स्वस्थ है, लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है? मेरी जोया ठीक तो है? अरे अरे, चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। पर ऑपरेशन के वक्त कुछ चमत्कार हुआ था शादाब। जैसे ही हमने ऑपरेशन करके जोया के बच्चे को उसकी घर बनाल से अलग किया, तब अचानक थोड़ी देर के लिए जोया की धड़कन थम गई थी। एक तरफ जोया को बचाने के लिए सारे डॉक्टर कोशिश कर रहे थे, तभी हमने देखा कि जैसे ही बालक को मां के सीने पे रखा, जोया की धड़कन वापस धबकने लगी थी। मेडिकल टीम खुश है कि उन्होंने जोया की जान बचा ली, पर मैं असमंजस में हूं कि जोया का यूं मौत से टकरा कर वापिस आना डॉक्टर के ट्रीटमेंट का करिश्मा था या फिर माँ की ममता का चमत्कार। शायद शायद बच्चे को अपनी गर्भनाल से अलग करने का सदमा मेरी जोया सह नहीं पाई होगी। कुछ बातें, कुछ फैसले, कुछ एहसास सिर्फ दिल से महसूस किए जाते हैं, उन्हें बयान नहीं कर सकते। जोया, ये लो हमारी नन्ही सी मासूम सी जान। बिटिया के आने से हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। ऐ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरी रहमत कायम रखना। जोया, माँ बालक को जन्म देकर अपनी घर बनाल से दूर करके जो जुदाई मोड़ लेती है, उस जुदाई को कम करने के लिए वो ताउम्र कोशिश करती है। उसे दूध पिलाती है, उसके साथ खेलती है, उसका लालन पालन करती है और उसकी सारी तकलीफ दूर करके बस अपने शिशु को वो खुश रखना चाहती है। पर जोया, तू तो यमराज से लड़कर अपना जीवन वापस ले आई। तूने तो ममता की ताकत की परिभाषा ही बदल दी। तेरी ममता को मैं सलाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, शुक्रिया आप सबका हमारे इस छोटे सी कोशिश में जुड़ने के लिए। ये कहते सुनते रेडियो जीन की तरफ से हमारी पहली कोशिश थी एक रेडियो प्ले आप तक पहुंचाने की। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोगों को इस तरह की कोशिशें पसंद आएंगी। मैं बिना किसी डिले के आपको इन कैरेक्टर्स से वाकिफ कराना चाहूंगा। जोया का रोल प्ले किया था बिंदु ने। बिंदु, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग अ रेडियो प्ले? बड़ा ही मजा आया। मैं तो सोच रही हूँ कि और भी करूंगी, इससे कन्वीनियंट वे ऑफ एक्टिंग होगा नहीं कुछ। It's interesting क्योंकि acting भी सारी हो जाती है और convenience भी रहती है, तो hopefully that motivates the listeners to be participants to our radio play. तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो please हमें बताइए। अब मैं आपको introduce करूंगा इस play की डॉक्टर साहिबा से, सूत्रधार से और लेखिका से, डॉक्टर इंगिता ठक्कर जी से। डॉक्टर इंगिता जी, please let us know how did you feel doing this play with us? तौफीक, ये एक बहुत अनोखा और ये पूरे प्रोसेस में बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पे मैं ऑडियंस आपको ये बताना चाहूंगी कि हाँ, ये कहानी जरूर मैंने लिखी थी, पर इसको जब हमने रेडियो प्ले में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस में, उस जर्नी में अगर सबसे बड़ा किसी का साथ था तो तौफीक का, कि जिन्होंने काफी मदद की ये पूरे प्ले को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कई बार नैरेटिंग तो पोएट्री या स्टोरी कई बार किया,
पर रेडियो प्ले को इस तरह से खुद लिखना और इस तरह से रिकॉर्ड करना, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. लाइक आई लर्न मेनी मेनी न्यू थिंग विद तौफीक एज वेल. अगर हम आगे ऐसे रेडियो प्ले करते रहेंगे, अगर कहते सुनते के श्रोता मित्रों को पसंद आए, तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी. Shukriya Ingita ji, the learning was mutual. There was a lot to learn, obviously as cast and crew of this play. So, dosto, jis tarah Dr. Ingita ji ne kaha ke aap logo ke paas bhi aapki agar kahaniyan hain jisko aap sochte hain ki hum radio play mein convert kar sakte hain, ya aapne agar radio play koi likha hai, to humse sampark kijiye. Number to aap jante hain 0449-004-053. Sunte rahiye, kehte sunte. Har Gurwar 8 baje se 10 baje tak. Only on 89.3 2GLF FM par. This is your host, Tawfiq Ahmed, signing out. Good night. Shab Bakhair. Shubh Ratri.